हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सिद्धांत पवार आप सभी का आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो आज अपना जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो रहेगा एज। ठीक है, चलिए आज हम इस एज कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो एज अपना कंजंक्शन है इसका कोरिलेटिव हमें मिलता है, एज का कोरिलेटिव हमें मिलेगा देखने को कोमा। हम इसके लिए बिल्कुल भी बिकॉज का और therefore का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एज का जो कोरिलेटिव है वो अपना होता है कोमा। तो इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं एज की जगह पे बिकॉज का या फिर सिंस का, तो भी मेरी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। इट मीन्स जब कभी भी हमारे पास में कंजंक्शन एज हो या हमारे पास में बिकॉज हो या हमारे पास में सिंस हो, तो इन तीनों का ही जो कोरिलेटिव है वो हमेशा क्या बनेगा, कोमा बनेगा। और हमारे पास में जो इसका कोरिलेटिव है वो बिकॉज और देयरफॉर बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, देखो एग्जाम्पल है, एज आई वॉज ऑफन इल आई कुड नॉट अटेंड All my classes for RRBPO। ठीक है, चलिए ये अपने पास में क्वेश्चन था, हमें इसके बारे में पता करना है कि जो एज है अपना वो क्या कहता है। देखिए ध्यान से, जो अपना एज है, एज कंजंक्शन जो हमारा रहेगा वो हमेशा अपने साथ में कोमा कोरिलेटिव को लेकर के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बिकॉज और देयरफॉर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए, एज आई वॉज ऑफन इल, तो जो एज कंजंक्शन है इसका सीधा सीधा फर्क यहाँ पे जो भी अपने पास में वर्ब यूज होगी उसके ऊपर पड़ेगा। अब जो एज है ये हमेशा या तो क्या लेकर के आएगा, वाज के साथ में वर्ब की आई एन जी फॉर्म, या फिर ये अपने पास में लेकर के आएगा बी की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जो बी है अपना बी, इट मीन्स बी की अगर फर्स्ट फॉर्म में बात करूं और सेकेंड फॉर्म की बात करूं, तो जो बी की फर्स्ट फॉर्म है वो अपनी इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म अपनी होती है वॉज एंड वर्ब, थर्ड फॉर्म अपनी बीन होती है, और नेक्स्ट जो फॉर्म होगी अपनी वो होगी वर्ब की एनजी फॉर्म बीइंग। ठीक है, और खुद बी भी एक फॉर्म है अपने आप में ही। तो मैंने यहां पे बताया कि जो एज है इसके साथ में या तो आपको पास्ट का बी वर्ब देखने मिलेगा, इट मीन्स वाज वर्ब मिलेगा जिसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं होगी, या फिर अपने पास में वॉज के बाद में वर्ब की आई एन जी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो जो एज आई वॉज ऑफन इल, यहां पे एज का जो कोरिलेटिव है वो अपना क्या है, कोमा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंजंक्शन जो हमारा रहेगा वो है अपना, नेक्स्ट कंजंक्शन अपना है सी। Although या though, तो जो इसके साथ में जो अपना correlative आता है वो हमेशा या तो कोमा आएगा या फिर अपना आएगा क्या, yet। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम although and though के साथ में, जो अपना correlative है वो हमेशा या तो अपना yet आएगा या फिर क्या आएगा, अपना कोमा आएगा। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। Although he is rich, but he is dishonest। ये अपने पास में क्वेश्चन है, although he is rich, but he is dishonest। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो although के साथ में जो correlative है उसका properly use करना आना चाहिए। It means जब कभी भी मैं although या though conjunction की बात करता हूं तो मेरे पास में जो word आएगा या तो आना चाहिए कोमा या फिर मेरे पास में क्या आना चाहिए, येट। तो मैंने यहाँ पे जो ऑल्दो है इसका कोरिलेटिव बट को यूज करा है, जो कि बिल्कुल क्या है, अपना रॉन्ग है। चलिए इसका अब हम करेक्ट आंसर देखते हैं, दैट इज येट। या फिर मैं अगर यहाँ पे कोमा यूज करना चाहूं तो देखिए क्या बनेगा,
ऑल्दो ही इज रिच, कोमा आ जाएगा, ही इज डिसऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो दो सेंटेंसेज हैं इनके बीच में अगर अपन बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को, तो वो अपने आप में एक गैप लेकर के आ रहा है, चैज्म लेकर के आ रहा है। सो वी हैव टू डू नथिंग बट टू यूज अ प्रॉपर वर्ड दैट इज बिफिटिंग, ठीक है, दैट इज बिफिटिंग एंड दैट कैन आंसर ऑल अवर क्वेश्चंस इन अ जिफ, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको, चलिए आगे देखते हैं। अब हम दो के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, जो अभी अपन ने ओल्डो का एग्जाम्पल देखा है, इसी प्रकार से हम देखेंगे दो का कोई एग्जाम्पल। देखिए, दो मैनी ट्रेन्स रन या रन्स ऑन दिस ट्रैक, खालिस्तान है, देखिए ये अपना क्वेश्चन है, दो मैनी ट्रेन्स रन या रन्स ऑन दिस ट्रेन, दिस ट्रैक, या फिर मैं कह सकता हूं ऑन दिस रूट, नो सीट इज अवेलेबल इन देम, क्लियर। देखिए क्या बता रहे हैं आपको कि इस रूट पे बहुत सारी ट्रेन चलती है, इसके बावजूद भी उन ट्रेन्स में जगह नहीं होती है, दे डोंट हैव एनी सीट, ठीक है, और वी कैन फाइंड नो सीट इफ We have a rush of mass, ठीक है, जहां पर लोगों की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होती है तो वहां पे अपन ट्रेन में सीट नहीं पा पाते हैं। देखिए, दो मैनी ट्रेन्स, यहाँ पे अपन करेंगे ट्रेन्स के लिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म, दैट इज रन ऑन दिस ट्रैक, या तो अपन यहाँ पे कोमा यूज करें या फिर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, येट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपना जो कंजंक्शन है वो रहेगा हमारा इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट, नेक्स्ट So our next conjunction is in spite of, ठीक है, तो let's see what are the uses of this conjunction. As we can see here is a word written in spite of many obstacles, he succeeded in the long run, ठीक है, यहां पे जो word लिखा है मैंने many obstacles, तो जो मैनी ऑब्स्टेकल्स है इसका मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी, वी कैन सी बहुत सारे राउट आने के बावजूद भी, बहुत सारी पराजय आने के बावजूद भी, बहुत सारी डिफीट आने के बावजूद भी, उसने अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया एंड ही केप्ट रनिंग, केप्ट वर्किंग हार्ड एंड गोट सक्सेस इन द लास्ट रन। Here is a term written in the long run that means ultimately or we can see in the end, ठीक है, ultimately or we can see in the end, जब अपन लास्ट में किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, या हम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कह सकते हैं अपन उस काम में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पे हम उसे क्या कहते हैं, अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद में, बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में, बहुत सारे ट्राइज करने के बाद में अगर सक्सेस होते हैं तो हम कह सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो यहां पे उसने बोला कि मैनी ऑब्स्टेकल के बावजूद भी उसने सफलता प्राप्त की, देयर इज अ वर्ड राउट, राउट मीन्स होता है अपना पराजय। अगर मैं यहां पे बात करूं आर आई ओ टी रियोट की, तो रियोट इज एनी काइंड ऑफ, जैसे अपन बात करें प्रदर्शन की बात करें, कोई विरोध की बात करें, ठीक है, तो अगर मैंने कहा
कि बहुत सारे विरोधी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इन द सपोर्ट ऑफ और अगेंस्ट द सपोर्ट ऑफ एनसीसी, या अपन बात करें जो भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा ना, वो सारे जो अपने यहाँ पे अरे कौन है वो जमाती लोग वगैरह कर रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उनकी बात करें तो वो क्या कर रहे थे, रियोट कर रहे थे। और अगर मैं बात करूं राउट की, तो राउट मीन्स होता है अपना पराजय। फिर भी अगर मैं एक वर्ड और यहाँ पे देखूं तो इनसे रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज रूट। रूट मीन्स होता है रास्ता, किसी अगर जगह की बात करें और हम कहते हैं कि यहां से जाकर के आपको एक रूट नजर आएगा। तो अगर मैं बात करूं ऐसा कोई रोड है, ठीक है, मैं कहूं कि इसके चलने के बाद में आपको जो रूट है वो दिल्ली का रूट है, दिल्ली जयपुर का जो रूट है वो हम कह सकते हैं कि ये वाला है। तो रूट मीन्स होता है अपना रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजक्शन जो अपना है वो है अपना, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम, जो कि अपना है तो यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो आप देखेंगे कंजंक्शन की सीरीज में क्या है। पहला एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, ही वर्क्स हार्ड बट डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। उसने हालांकि कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम उसने यहाँ पे भी किया दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो याद रखने वाली है, दैट कि डिड के साथ में जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट तो ये, और अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो इसके लास्ट वाला जो सेंटेंस आएगा वो भी हमेशा पास्ट में ही अपने को फ्रेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट इज पास्ट इंडेफिनाइट। यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ही वर्क्स हार्ड बट डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे भी हमें बट को रिप्लेस करना है किससे, येट से, और यहां पे भी आपको बट को रिप्लेस करना है किससे, येट से। आफ्टर दैट यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन द सेंटेंस मीनिंग। सी, ही वर्क्ड हार्ड येट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इट का जो आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जो यूज करते हो उसको आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए। ही वर्क्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया, ठीक है। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीजें, कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में अपन इनको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड येट डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। उसने कठिन परिश्रम की, इसके बावजूद भी वह अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो कंजंक्शन की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम अल्टीमेटली जो बेस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू कैन get video links via visiting my channel, that is Siddhant Pawar. The name of my channel is Siddhant Pawar. ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।